Rana, give me a bloody damn explanation. Why did you not send your man for protection? ये और इसके English. It's me. जैसे महात्मा गांधी ने कहा था, राष्ट्रभाषा हिंदी में बात कर सकते हैं. Don't try to expert, huh? Okay. Sir, यहाँ के लोगों की संख्या 300,000 है सर, और पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल की संख्या 30 है सर. मतलब उसके हिसाब से 10,000 लोगों की देखभाल एक कांस्टेबल करता है सर. मिनिस्टर साहब और कार्यकर्ता सब मिलाकर सब 300 से कम ही लोग थे सर, तो फिर मैं एक से कम कैसे भेज सकता था, इसलिए सर एक को ही भेजा सर. सर आई हैव वन मोर डाउट सर, सिर्फ आपके लिए आपके घर में पूरे 20 कांस्टेबल रहते हैं, इसकी क्या जरूरत है? एक खाना बनाने वाला, एक टेलीफोन ऑपरेटर, एक ड्राइवर, 4-5 होम गार्ड. मैं क्या कह रहा हूं आप समझ रहे हैं ना? मीटिंग सस्पेंडेड. ओए राणा, बाहर आ, मार डालूंगी आज तुझे. बाहर आ. अरे सुनो सुनो सुनो, पत्थर मत फेंको, बाहर निकालो. बाप को कुछ बोला तो ये चली आई. ए इधर आ. क्या हुआ? सब खत्म हो गया सर, सब खत्म हो गया. आपकी वजह से मेरी शादी कैंसिल हो गई. उसे इम्प्रेस करने के लिए साड़ी पहनी थी मैंने सर, फेसबुक पे फोटो अपलोड किया, सिविल सिलेक्ट एड सर, सिविल सिलेक्ट. इस बार मैंने सोचा था कि मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी सर, पर कुछ नहीं हुआ, सब खत्म हो गया. ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को तुमने मारा, उनकी हत्या करने की कोशिश की. हाँ? तुम पर गुंडागर्दी का केस बनता है. हाँ? इतना छोटा पत्थर मारने से कोई मरता है क्या सर? मुझे क्या पता, मुझे कैसे पता, मैंने किसी को मार कर नहीं देखा है. अब मुझे क्या करना होगा सर? रोज अटेंडेंस देनी होगी यहाँ पर. तुम घर से कॉलेज जाओ या कॉलेज से घर आओ या फिर कहीं भी जाओ, फोन करके बताओगी कि कहाँ हो, नहीं तो तुम्हारे बाप की. आपको मेरा नंबर चाहिए तो डायरेक्ट मांग लीजिए सर. तुम कुछ भी समझो, जाओ जाओ. पूरी बाप पर गई है. एमपी चौधरी दुर्गा प्रसाद को अपने ही चुनाव क्षेत्र में बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है. बर्थडे के मौके पर रैली करने की सोच रहे एमपी दुर्गा प्रसाद को पुलिस ने झटका दे दिया. राणा नाम का इंस्पेक्टर है दादा, लेकिन इंस्पेक्टर राणा जय सिंह ने वहां सिर्फ एक ही कांस्टेबल को भेजा. हेलो राणा साहब. हाँ बोल बे गवाह. आवाज बदली फिर भी पहचान लिया. बात कुछ नहीं है, आपने मेघा को वार्निंग दी थी लेकिन वो एक सब्जेक्ट में फेल हो चुकी, क्या है सच है? वो तेरी फ्रेंड है या मेरी फ्रेंड है? ऑफ कोर्स वो मेरी फ्रेंड है. गधा कहीं का. अच्छा तो क्या हुआ? ए काट दिया इसने. ए रेड्डी कहाँ है सर? बोलो. मेरे कुछ फ्रेंड्स दिल्ली जा रहे हैं सर, अगर आप परमिशन दे दे तो मैं 3-4 दिन के लिए चली जाऊं. क्यों, लाल किला कभी देखा नहीं है? ऐसी बात नहीं है सर. किसके साथ जाओगी? मेरे पास एक बेटर आइडिया है, एक दिन जाना और एक दिन आना. और एक दिन पूरा वहीं, क्या कहती हो? मुझे डर लग रहा है सर. यही सोच करना कि मैं कुछ कर ना दूं. वहां कुछ करोगे नहीं ये सोचकर सर. बाप रे, ये तो मुझसे भी फास्ट है. सर. हाँ बोलो. क्या कर रहे हैं आप सर? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा बिजी हूँ. आप बिजी भी होते हैं सर. अब आपकी बारी. ए, ईगो हर्ट मत करना. पास में कोई बैठा है सर? तो फिर अकेले में आइए ना सर. आ रहा हूँ. ड्रॉप द गेम. गुरुजी आपके लिए. शुड आई कम बॉस? एलेक्स रिलैक्स. बेटा एक मिनट. दो मिनट बैठिए.
बेटा, मुझे आपसे सिर्फ 2 मिनट बात करनी थी। मैं बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में मिलता हूँ। और मुझे कितनी बार, कितने लोगों को बताना होगा? कुछ दिनों से मेरा आदमी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, किसी का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है यहाँ। वो कौन है माँ जी? मेरे पति वेंकटेश्वर राव। नवंबर की 21 तारीख से दिखाई नहीं दे रहे हैं बेटा, इन्हें ढूंढने में मेरी कुछ सहायता कर दो ना बेटा। मैं सहायता नहीं करूंगा, न्याय करूंगा। रेडी? सर। कॉल लिस्ट लेकर आओ। ओके सर। सर कॉल लिस्ट। क्या इन्हें आप जानते हैं? हाँ, 2 महीने पहले लोन के लिए हमारे बैंक में आए थे। मैंने बहुत कोशिश की सर, लेकिन क्या हुआ था? आप बुरा मत मानिएगा, पुलिस डिपार्टमेंट वैसे ब्लैक लिस्ट में होती है सर। स्ट्रांग बैकग्राउंड अगर नहीं हो तो लोन सैंक्शन होना बहुत मुश्किल होगा सर। नवंबर 16 से 21 के बीच में वेंकटेश्वर राव के तुम्हें बहुत फोन आए थे, क्यों आए थे? पैसे मांगने के वास्ते फोन किए थे सर। दिए तुमने? नहीं साहब, पहले ही बहुत कर्ज ले चुके थे, मांगो तो आज दूंगा कल दूंगा करते रहते थे। वो रिश्वत लेते थे? नहीं साहब, मेरी जानकारी के मुताबिक बहुत सिंसियर थे। मेरा एक छोटा सा सेटलमेंट था, मैंने कहा करवा दो तो कीमत भी दूंगा और कर्जा भी दूंगा, लेकिन नहीं माने, बहुत ईमानदार थे साहब, गुड मैन। तुम जा सकते हो। हेलो माँ जी, मैं राणा। हाँ बेटा बोलो। कुछ समय पहले घर में पैसों की जरूरत थी क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा बेटा, उनके बारे में कुछ पता चला क्या? नहीं माँ जी, घर में पैसों की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो पैसा मांग रहे थे। किस लिए? नवंबर 16 से पैसों के लिए घूमना शुरू किया, मतलब उसके एक हफ्ते पहले जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। चर्चा है। रेड्डी सर, नवंबर 16 से एक हफ्ते पहले तक की छोटे पॉकेट मार से लेकर हर पार्टी मीटिंग तक की हर छोटी बड़ी डिटेल चाहिए। यस सर। सर, नवंबर 13 तारीख को सीएम साहब आए थे, हम लोग वहीं पर थे सर। उस दिन पुलिस स्टेशन में कौन था? वेंकटेश्वर राव जी और शेखर नाम का एक कांस्टेबल भी था सर। वो कहाँ है? छुट्टी पर है सर। उसका फौरन पता करो कहाँ है। यस सर। Thank you.